सफल हो जाती है तो उसकी प्रतिभा महान हो जाती है। यही मेरा कहने का मतलब है कि सफलतम साधना से प्रतिभा महान होती है और महान प्रतिभा से कला की शान होती है। सफलतम साधना से प्रतिभा महान होती है और
और महान प्रतिभा से कला की शान होती है। कला की शान तालियां दिल का हृदय का उद्गार होती हैं, ये हृदय से मिलती हैं, ये आशीर्वाद हृदय से मिलते हैं और बिना कहे अगर ये मिल जाए तो फिर कलाकार का भाग्य बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद जी आपको। मैं मां भवानी से कहना चाहूंगा कि मां मैं तो कुछ भी नहीं था, किसी काबिल नहीं था मैं, तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। अपने श्री चरणों का पायक बना दिया तूने, हे मां अपने श्री चरणों का पायक बना दिया तूने, ज्ञान गुणहीन को गायक बना दिया तूने, अपने श्री चरणों का पायक बना दिया तूने, ज्ञान गुणहीन को गायक बना दिया तूने, ऐसे हंसों के बीच, ऐसे हंसों के बीच मेरे जैसे गागा को, ऐसे हंसों के बीच मेरे जैसे गागा को आज कुछ कहने के लायक बना दिया। धन्यवाद है ये मां। बड़े बड़े सुरीले कलाकार इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, मैं भी एक एक स्वर के लिए तरसता रहा और आज भी मैं तुझसे शिकायत कर रहा हूं। एटा में भी मुझे समय मिल गया तो मैं शिकायत करता हूं, मां लोग तेरी प्रार्थना करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं तो तुझसे शिकायत कर रहा हूं। और शिकायत यह है कि काश काश अगर मुझको दरबार में
सुनने वाले सोच सकते हैं कि कीर्तन में रोने की क्या बात है, कीर्तन में रोना कैसा। तो मैं आप लोगों से आज एक सवाल करना चाहूंगा, सवाल करना चाहूं मैं, आप लोग कीर्तन सुन रहे हैं बहुत दिनों से, कीर्तन करवा रहे हैं बहुत दिनों से, क्या है ये कीर्तन, क्या है? लोग कहेंगे कीर्तन भगवान की कीर्ति का वर्णन करने का नाम कीर्तन है, हो सकता है ना, ये पूरी परिभाषा नहीं है। फिर कीर्तन क्या है? क्या कीर्तन केवल मनोरंजन है? बहुत से लोग दूर दूर जाते हैं कीर्तन सुनने के लिए और कीर्तन देखने के लिए। आप मेरी बात की गहराई से समझिए, क्योंकि उनके निगाह में कीर्तन मनोरंजन है। कीर्तन केवल मनोरंजन नहीं है, कीर्तन से लोगों के जीवन में मोड़ आ जाते हैं, जीवन बदल जाते हैं। कीर्तन कुछ और है। अगर ये कीर्तन केवल मनोरंजन होता तो ये भैया राकेश यादव जी ने फिर कीर्तन न करवाया होता, मनोरंजन की तमाम साधन है वो करवा लेते, लेकिन उन्होंने कीर्तन करवाया। हमारे हिंदुस्तान के महान विचारक, महान ज्ञानी, तत्वार्थ रामायण के रचनाकार पंडित डोंगरे जी महाराज, उनका कहना है कि कीर्तन क्या है। भैया जी मेरी बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, यहां पर आपका मनोरंजन हो रहा जरूर, लेकिन अगर घर में आप कहीं कीर्तन करें, आप कहीं भी कर रहे हो, तो कीर्तन का क्या अर्थ है? कीर्तन का अर्थ मनोरंजन नहीं है। फिर क्या है? उन डोंगरे जी महाराज जी ने कहा क्या है कीर्तन, अपने गुनाहों को याद करके भगवान के सामने बैठकर रोने का नाम कीर्तन है। धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आपने मेरी बात को समझा, इसलिए मुझे कहना पड़ा। मेरा जीवन बदल जाता अगर दरबार शेरवाली का गोद साथे दरबार की।
Thank you.
कहते कि जान होती है, लेकिन ये जान होती कैसे? यूं ही नहीं होती है। क्यों? सरस्वती माता की महिमा महान होती है क्योंकि बजे तो बंसी में जादू की तान होती है। ये माँ सरस्वती की ही कृपा होती है। जिस कलाकार पर जितनी कृपा हो जाती है वो उतना ही बड़ा अथवा उतना ही छोटा कलाकार बन के रह जाता है। चंद पंक्तियां दे रहा हूं, शायद आप इनसे सहमत हो कि सरस्वती माता की महिमा महान होती है और बजे तो बंसी में जादू की तान होती है। वो कहते हैं कि बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग। आखिर ऐसा उनकी बंसी में क्या था? तो मैंने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण की बंसी में साक्षात रूप से माता सरस्वती भगवती विराजमान थी। और जहां पर माता सरस्वती साक्षात रूप से विराजमान हो तो फिर कहने ही क्या। इसलिए कह रहा हूं कि सरस्वती माता की महिमा महान होती है और बजे तो बंसी में जादू की तान होती है, क्योंकि किसी को गई होती तो फिर मेरी
मधुरता मिल गई होती है। जो वीरावादिनी माता की ममता मिल गई होती तो फिर मेरी भी वाणी को मधुरता मिल गई होती, ऐसा क्यों कह रहा हूं? कारण यह है, न मैं राधो प्रज्ञाता होती।